आज जैसा कि आपने देखा अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं, वर्ष में एक बार पूजा होती है। तो उसी क्रम में आज भी चूँकि नागपंचमी का पर्व प्रारंभ हो चुका है, रात्रि 12 बजे ज्येष्ठ पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा पट खोले गए और भक्तों के द्वारा अखाड़े के द्वारा पूजन विधा जो भी होती है परम्परानुसार पूजन प्रारंभ हो गया है। क्योंकि इस बार कोविड और कोरोना के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन संभव नहीं था, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके कारण से, इसलिए आम श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था ऑनलाइन की गई थी। ऑनलाइन आम श्रद्धालु अपना 24 घंटे दर्शन करते रहेंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान नागचंद्रेश्वर मात्र विश्व में एक ऐसा ये स्थान है जहाँ पर पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार मंदिर के पट खुलते हैं और फिर कल रात्रि 12 बजे पूजन के साथ ही मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, फिर अगले साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे संतों के माध्यम से हमने जो सुना है कि इस विग्रह का दर्शन, इस विग्रह का पूजन हमारे समस्त पाप संताप को नष्ट करने में सामर्थ्य होता है, बड़ी अद्भुत महिमा है। एक दो मिनट में वो संभव नहीं कि उसकी व्याख्या की जा सके, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा जो भी भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करता है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, तो परिस्थिति के अनुसार अपनी भावना जहाँ पर भी हम बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है भावग्राही जनार्दना, भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए जहाँ पर भी हम बैठे हैं ऑनलाइन दर्शन करते हुए और अपने भाव से श्रद्धा पुष्प फल इत्यादि जो भी हमारी भावना है भगवान को अर्पित करें। और यही आज हमने प्रार्थना की है पूजन करते हुए कि भगवान नागचंद्रेश्वर, भगवान सिद्धेश्वर, ये जो एक बड़ी आपदा पूरे विश्व के ऊपर है, खास करके भारत में भी बहुत तेज़ी से ये आपदा फैलती जा रही है, तो भगवान जल्दी से जल्द कृपा करके और इस महामारी से हमारे भारत को ही नहीं अभी तो पूरे विश्व को मुक्त करें। यही प्रार्थना, यही निवेदन भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के चरणों में किया जाए।